मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संजय कुमार स्वामी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रीमियर प्रो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट का कंपोजिशन भी बना सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जो भी आफ्टर इफेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर उसका एडिटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे यूज ले सकते हैं, पहले आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो दोनों ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आप जाइए यहाँ पर फाइल के अंदर, यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा एडोब डायनेमिक लिंक। आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल्स के अंदर भी ऐसा वीडियो मैंने बनाया है और ऐसा ही मैं यहाँ पर भी बना करके बता रहा हूँ। देखिए इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, एक है न्यू आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, यहीं पर आप न्यू आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन ले। इम्पोर्ट आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, अगर आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो आफ्टर इफेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल है उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी उसके अंदर कंपोजिशन होंगे वो दिखा देगा पहले से। अगर आपका आफ्टर इफेक्ट कोई फाइल बनी हुई है तो उसके अंदर फिर रिप्लेस कर सकते हैं आप। और यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, यानी अभी आप एक आफ्टर इफेक्ट का कंपोजिशन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जैसे हम बना रहे हैं न्यू आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, क्लिक करेंगे, साइज वगैरह आप यहाँ से सेट कर दीजिए। मैं 1200x720 ये रख रहा हूँ और यहाँ पर मान लीजिए चॉइस फ्रेम रेट रख दी, ओके कर। जैसे ही ओके करेंगे वो जो यहाँ पर लिंक्ड संजय लिंक्ड कॉम्प 2 यहाँ पर ये आपका आ गया है जो हमने कंपोजिशन बनाया। अब इस कंपोजिशन के अंदर ओपन कर लीजिए, यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इस कंपोजिशन के अंदर मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बनाया, यहाँ पर कलर दे देते हैं, ये कलर मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आप एनिमेट करना चाहें इसको, तो यहाँ पर की फ्रेम बना लीजिए, रिक्टेंगल इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर जा करके मान लीजिए इसकी पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ बनाया और एक की फ्रेम यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में। और इसी तरह से रोटेशन की ओर दे देते हैं, यहाँ पर ये रोटेशन का बना दिया, ये पॉइंट मैं सेंटर में लेके आ गया हूँ। अब देखिए किस तरह से ये रोटेट होकर के यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आपने जो भी काम किया है मैंने कहा था आपको दिखाई देगा प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए प्रीमियर प्रो के अंदर चलते हैं। ये हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ पर आप देख लीजिए जो कंपोजिशन है ये रहा। इस कंपोजिशन को आप यहाँ पर देखेंगे डबल क्लिक करके और प्ले करेंगे तो ये फुटेज की तरह यहाँ पर इस तरह से प्ले होगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप पे, देखिए यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर, यानी कि वहां पर जो आपने थोड़ा बहुत काम किया स्पेशल इफेक्ट आपने दिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ही आप ला करके रख सकते हैं और फिर यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए और दोबारा मैं चलता हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये हम आ गए आफ्टर इफेक्ट के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया इसी फाइल के अंदर। इसके अंदर कुछ मैं एनिमेशन इफेक्ट दे देता हूँ जो प्रीसेट है उनके अंदर से ही दे देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट वाला है 3D टेक्स्ट, ये इफेक्ट दे दिया तो टेक्स्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब वापस चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। प्रीमियर प्रो के अंदर आएंगे तो वही एनिमेशन आपको इफेक्ट यहाँ पर इस तरह से चलते हुए दिखता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह से वर्क कर सकते हैं एक साथ। वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के ये बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।